नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में और आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट आईटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू तो यूज़ इन ए कंप्यूटर इस कार तो बाज़ार में उपलब्ध कंप्यूटर में उपयोगी सॉफ्टवेयर को कहते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट स्टैंड फॉर तो so, कैड होता है आपका कंप्यूटर एडिट डिजाइन तो ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबलर इज यू टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन तो असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन डी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द रेड वे अंडरलाइन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स तो उसको बोलते हैं स्पेलिंग एरर नेक्स्ट है दबलेंट ऑफ तो ये वैल्यू दे रखी है तो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन बी सेवेंटी टू ठीक है पावर एट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन जावा स्क्रिप्ट रन ऑन तो ये नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोजर दोनों पे है ठीक है बोथ इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट है द मेन गोल ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज तो कॉन्फिडेंटली इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है फाइल वायरस अटैच टू द तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का राइट right आंसर है नेक्स्ट है आपका ट्रेंड माइक्रो इजेम तो वो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एडिशन रेफर टू ऑपरेशन ऑफ तो ओ आर गेट इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज तो इसमें होता है प्रोसेस और मॉडल दोनों तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है एन एरे ऑफ करेक्टर्स इज नोन एज तो वो होता है स्ट्रिंग ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड तो पिन वर्ड डॉट ई एक्ससी इसका राइट right आंसर है एम एस वर्ड जो होता है किस फाइल से शुरू होता है तो वो होता है बिन वर्ड डॉट ई से नेक्स्ट है आपका एम एस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज इन द वर्क इन एम एस ऑफिस तो जोएस्टिक इसका राइट right आंसर है जो एम एस ऑफिस में कौन से इनपुट उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता तो इसका राइट right आंसर है जोएस्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगस्टा एड वायर वायरन ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर है ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज तो एस क्यू एल इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एम एस डॉक्यूमेंट इज तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट right आंसर है एक और एक नेक्स्ट है आपका एम एस ई सीट इन ए वर्क बुक इज डिस्प्लेड एज तो इसका राइट right आंसर है टैब ऑप्शन ए जो एम एस में वर्क बुक में प्रत्येक सीट कैसे डिस्प्ले होती है तो टैब इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है आपका इन एम एस द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द तो ये होता है फॉर्मूला बार में ऑप्शन डी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है सीनेरियो मैनेजर इन एम एस एक्सेल इज यू टू तो वो करता है आपका डिटरमाइन द डिफरेंट प्रोजेक्टेड आउटकम्स ऑफ द डेटा ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर ए प्री प्रोग्राम फार्मूला इन एम एस एक्सएल इज तो वो होता right है फंक्शन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ करैक्टर कैन एम एस एक्सएल प्रोड्यूस तो इसमें लाइन करैक्टर बाई करेक्टर वार करैक्टर सभी इंक्लूड रहते हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है प्रोजेक्टर कैन बी यूज इन तो ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है और पावर पॉइंट शो के लिए तो ऑप्शन डी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ प्रेजेंट इन द एम एस पावर पॉइंट तो स्लाइड शॉट व्यू इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज़ तो वो होता right है आउटलाइन व्यू ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है द माइक्रो द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एम एस पावर पॉइंट इस तो चार सौ परसेंटेज का राइट आंसर है नेक्स्ट है विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल डी बी एम एस तो डी बी एम एस होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो वो है औरल नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डी बी एम एस सॉफ्टवेयर तो वो होता है डाटा बेस टू थाउजेंड नेक्स्ट है रेडोन इन डेंजरस एज इट इज़ ए पोटेंशियल थ्रेट टू डेटा तो वो होता है कंसिस्टेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेस ऑटो नंबर डेटा टाइप तो वो होते हैं कैन बी सिक्वेंसल और कैन बी रेंडम तो ऑप्शन डी तो आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज तो वो था net, option C, आपका नेट ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल तो वो है आपकी वन थाउजेंड नेक्स्ट है आपका बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ तो वैन इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज तो वो है मैस टेपोलॉजी नेक्स्ट है फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज तो वो है फिजिकल लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेंज ऑफ आई पी एड्रेस इज इज़ फॉर्म ऑफ तो ऑप्शन सी ज़ीरो टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट है इंटरनेट वर्क्स ऑन तो ये करता है पैकेट स्विचिंग पे ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ विकीपीडिया तो जिमी वेल्स जो था वो फादर था विकीपीडिया का नेक्स्ट है हु आज द फर्स्ट बिग सर्च इंजन तो वो था लाइकोस ऑप्शन डी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है वाईफाई यूजेस तो क्या होता है वाईफाई का यूजेस ये रेडियो वेब्स जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द पेज साइज फॉर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इज़ तो वो होता है लेटर ऑप्शन ये आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नोन एज तो उसे बोलते हैं डाटा सोर्स नेक्स्ट है इन एम एस एम एम एस वर्ड मेल मर्ज कमांड इज़ अवेलेबल अंडर तो ये होती है टूल मेन्यू के अंडर नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड फ्रेम कैन इंक्लूड्स तो इसमें आप ग्राफिक्स टेक्स्ट और टेबल्स सभी इंक्लूड होते हैं नेक्स्ट है ग्राफिक्स इन एम एस वर्ड इज इंसर्टेड इन तो ये करते हैं बॉक्स पेज फ्रेम सभी से नेक्स्ट है दो एम एस वर्ड में थ्रेसियस टूल का उपयोग होता है तो ये होता है सिनोनम्स और एंटोन्स पर्ड के लिए ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज़ यूड इन एम एस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग तो स्पेल चेक इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट ऑन एम एस वर्ड तो सेंटर्ड इसका राइट right ऑप्शन है जो एम एक्स वर्ड में निम्न में से कौन सी पोजिशन फोन्ट्स के लिए मौजूद नहीं है तो सेंटर्ड इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है ड्रॉप क्या ए फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एम एक्स वर्ड दैट अलाउ यू टू इंसर्ट ए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबब इसमें आपको नॉर्मल कैपिटल लेटर नॉर्मल स्मॉल लेटर फैंसी स्मॉल लेटर सभी इंक्लूड रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज तो इसका है पॉल एलन और विलगेट्स दोनों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए तो ये क्या है जी यू आई वेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जी ओ आई होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है नेक्स्ट है ए मीन्यू इज एम एस विंडो कंटेन ए लिस्ट ऑफ तो कमांड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए विंडो एक्सप्लोरर तो ये होता है एक फाइल मैनेजर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है डॉट टी एक्स टी फाइल कैन बी मेड तो ये इसमें नोट पैड एम एस वर्ड वर्ड पैड ये सभी इंक्लूड है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फोल्डर व्यू तो कास्ट के डेस्ट इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है आपका विच सॉफ्टवेयर इज़ यू टू मेकिंग रिज्यूम में तो वो है एम एस वर्ड नेक्स्ट है ए वर्ड प्रोसेसर वुड वी यू बेस्ट टू टू टाइप ए स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम इन एम एस ऑफिस तो पेंट आर्ट इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडो एक््रोवेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ये है आपका प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन भी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है आपका द ऑपरेटिंग सिस्टम resides इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी तो इसका राइट right आंसर है हार्ड डिस्क नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी वर्कड एज ए तो कम्युनिकेशन मैनेजर नेक्स्ट है ए फ्रंट एंड प्रोसेसर इज़ यूज इन टू टाइम शेयरिंग इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है यूनिक्स इज़ ए तो ये है एक मल्टी यूज़र सिस्टम और ए रियल टाइम सिस्टम तो बोथ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट है पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज़ रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज़ तो इसका राइट आंसर है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी ओ ए आई टी आठ सौ सतारह की पोस्ट कोड के लिए ये वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एंड्रॉइड आर आल्सो कार्ड हनी कॉम्बो तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट right आंसर है एंड्रॉयड 3.0 अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए जे ओ आई टी की तो आप पिक्सा ऐप के थ्रू ले सकते हैं आपको स्टडी टाइम 50 को डालना है जिससे आपको मिलेगा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे यह टेस्ट सीरीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर रखा है वहाँ से आप कूपन कोड यूज़ करके टेस्ट सीरीज़ फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे पा सकते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका एम एस टॉस इज यूजली सप्लाइड ऑन ए तो डिस्क इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फस्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर तो चेन प्रिंटर इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है आपका रेजोल्यूशन ऑफ लेसर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ डी पी आई इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो लेज़र प्रिंटर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है प्लॉटर प्रिंट तो प्लॉटर जो होता है इसमें विद बॉल पॉइंट पेन ये भी है इंक्लूड और विद इंक पेन और सी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रो स्टैटिकली तो ये भी इंक्लूड है तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड यूज एन तो प्लॉटर इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है यूएसबी पोर्ट कम्स अंडर तो ये होता है आपका सीरियल पोर्ट के अंदर और यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो उसकी होते है होती है यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज इसमें इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस सभी इंक्लूड रहते हैं नेक्स्ट है ई प्रोम इज़ जर्नली इरेज्ड बाय यूजिंग तो अल्ट्रा वायरेट रे इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट है कैचे मोमोरी एक्ट्स बिटवीन सी पी यू एंड रैम ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है थ्री विट्स वाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई तो ऑक्टेल नंबर इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट है द वायनरी कोडी डेमेल यूजेज तो वो होता है फोर विट्स के नेक्स्ट है टेक्सट एडिटर इज़ एन तो ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो यूटिलिटी विल इरेज अनवांटेड फाइल तो डिस्क क्लीन अप इसका राइट right आंसर है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वायरस टैंड फॉर तो वायरस की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका राइट right आंसर है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें इसका मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें